गुड इवनिंग फ्रेंड्स, thanks for watching me here. Firstly, I would like to give my thanks to sir who gave me golden opportunity to express my views in front of you, mates, guys, friends, sir, dear elder, all of you. Let's introduce myself, Mohammad Sajid Khan. I am hail from India, Bihar state in Siwan district. That means the state of Bihar in Siwan district. Today we will talk about daily is the sentences. So friends, firstly I am going to read that sentences what I have wrote on the whiteboard. Then I will tell you with Hindi meanings. So दोस्तों मैं सबसे पहले जा रहा हूँ उसकी रीडिंग करने, उसके बाद आपको उसका मतलब बताऊंगा, हिंदी मतलब वन बाय वन. पहले सबसे पहले उसकी प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, उसके बाद रीडिंग करूंगा, उसके साथ आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी. डोंट यू हैव शूज टू पुट ऑन. डोंट टॉक टू मी इन एन इंसोलेंट टोन. होल्ड योर टंग. डोंट बी इंसोलेंट इन मैनर. ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, दोनों में कोई एक बोल सकते हैं. It's dinner time. Get ready. Eat much food and drink little water. Eat much food and drink little water. Don't make lame excuses. Are you hard of hearing? You pay no heed to me. दोस्तों ये heed है, heed. I am tired of you. Mom, please help me giving money. दोस्तों इसकी क्या pronunciation हुआ, इसको मैं रीडिंग करके बता दिया. अब रीडिंग करूंगा और वन बाय वन इसके साथ में मीनिंग बताते चलूंगा. तो चलिए ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसकी क्या मीनिंग बता रहा हूँ. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. डोंट यू हैव शूज टू पुट ऑन. क्या तुम्हारे पास जूता पहनने के लिए नहीं है, या क्या तुम्हारे पास जूते पहनने के लिए नहीं है. देन Don't talk to me in an insolent tone. इसको थोड़ा सही से बोलिएगा, यहाँ से यहाँ तक. In an insolent tone, क्योंकि सब I से ही starting almost है, I और M तो tune में है, तो ऐसे ही लग रहा है. आपको ऐसे पढ़ना simple. Don't talk to me. यहाँ तक don't talk to me, यानी इसका मतलब जानते हैं, मुझसे बात मत करो. Don't talk to me in an insolent tone, यानी इसका मतलब हुआ कि तुम मुझे बदतमीजी से बात मत करो. सिंपल इसको बोल सकते हैं, डोंट टॉक टू मी इन एन इंसोलेंट टोन. इसका मतलब हुआ कि तुम मेरे साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, या बदतमीजी से बात मत करो. दोनों मीनिंग आता है कि तुम हमसे बदतमीजी से बात मत करो, या तुम मुझसे बदतमीजी से बात मत करो या करो. होल्ड योर टंग. अपने जुबान पे लगाम दो. होल्ड योर टंग. अपने जुबान पे लगाम दो. Don't be insolent और ill manner. देखिए insolent का मतलब यहाँ बताया था आपको बदतमीज, तो यहाँ पे भी बदतमीज, यहाँ पे ill manner मतलब भी बदतमीज होता है, यानी बदतमीज मत बनो. Don't be insolent, ill manner, यानी बदतमीज मत बनो. It's dinner time. Get ready. खाना का समय हो गया है, तैयार हो जाओ. खाना का समय हो गया. It's dinner time. Get ready. खाना का समय हो गया है, आप लोग तैयार हो जाएं. Then Eat much food. इसको एक टर्म में बोली, इसको बीच में ऐड करके and drink little water. आप सुने होंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खाना खाते हैं, मम्मी खिलाती है तो ज़्यादा पानी पीते हैं. तो मम्मी बोलती है बेटा खाना ज़्यादा खा, पानी कम पी, या पानी कम पी खाना ज़्यादा खा, कोई भी बोल सकते पहले तो. लेकिन इंग्लिश सेंटेंसेस आपका ही होगा, Eat much food and drink little water, यानी खाना ज़्यादा खा पानी कम पी, या पानी कम भी खाना ज़्यादा खा. इसका मीनिंग दोनों सेम आएगा, लेकिन सेंटेंसेस यही होगा, Eat much food and drink little water. समझे दोस्तों क्या होगा, Eat much food and drink little water, खाना ज़्यादा खा पानी कम पी. देन दोस्तों Don't make lame excuses. आपको अक्सर पता है कि स्टूडेंट lame excuses बताते हैं, वो हमेशा झूठी excuses बनाते हैं. तो that means don't make lame excuses का मतलब होता है कि झूठी बहाना मत बनाओ. देन Are you hard of hearing? आप किसी से कोई बात बोल रहे हो तो बोलता हाँ, वैसे बोलता हाँ. क्या एक बार और बोले, रिपीट अगेन या कम अगेन. सबसे अच्छा वो सिंपल मतलब दोबारा बोलने के लिए सबसे अच्छा आप बोल सकते कम अगेन. कम अगेन कम अगेन क्या मतलब होगा कि आप दोबारा बोलिए। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कोई कुछ बोलता है कुछ समझ में नहीं आता तब सिंपली हमने इंग्लिश याद किया हमने कम अगेन। तो दोस्तों यहाँ पे आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग इसका मतलब होता है क्या आप ऊंचा सुनते हो। ऊंचा सुनते हो का मतलब ये होता है कि थोड़ा कम सुनना, कान से कम सुनना। दोस्तों यहाँ पे आर भी लगा है, यहाँ पे आईएनजी है यानी प्रेजेंट का है, कंटिन्यूअस का। तो ये मत समझिए कि आप ऊंचा सुन रहे हो, यहाँ पे ये आपका सेंस लगा सकते हैं सही है, लेकिन इसका मीनिंग होगा क्या आप ऊंचा सुनते हो। यहाँ पे त के साउंड आ रहा है जो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में आएगा, लेकिन यहाँ पर इसका सेंस पकड़ना है क्योंकि इस टाइप का सेंटेंसेस जो होता है ऑलमोस्ट आपको प्रोवर्ब से और इडियम से मिले होते हैं, तो आप इसका एग्जैक्ट मीनिंग मत निकाले कीजिए। इसका मीनिंग ग्रामेटिकली ये हो सकता है क्या आप ऊंचा सुन रहे हो। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप ऊंचा सुनते हो। अगर आप ग्रामेटिकली निकालिएगा कि क्या आप ऊंचा सुन रहे हो तो गलत नहीं है, दोनों सही है, लेकिन बात यहाँ पे सेंस पकड़ने की है कि क्या आप ऊंचा सुन रहे हो। देन दोस्तों यू पे नो हिट टू मी, तुम मेरे बात की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अगर आप कुछ बोल रहे हो और आपके बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो आप सिंपली बोलेंगे जाते यू पे नो हिट टू मी, इसका मतलब हुआ कि आपके बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आप किसी से कुछ कर रहे हैं, क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप सिंपली बोल रहे हैं कि आप मेरे बात पर ध्यान नहीं देते। यू पे नो हिट टू मी, आप मेरे बात के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। देन दोस्तों आई एम टायर्ड ऑफ यू, ये सेंटेंस ज्यादा गर्ल्स यूज करती है। आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे बिल्कुल तंग आ रही हूँ, मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। यह मतलब जो सेंटेंसेस होता है स्पेशली गर्ल्स यूज करती है। आप मतलब ये नहीं कर सकते गर्ल्स ही के सेंटेंस है, मतलब मोस्ट गर्ल्स यूज करती है और मतलब बॉयज भी यूज कर सकते, कोई भी यूज कर सकते हैं, मेल फीमेल, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली से बात है कि जो बॉयफ्रेंड होते हैं गर्लफ्रेंड को काफ़ी परेशान कर देते हैं, ये काम करो वो काम करो, ये मत करो मत करो। पहले तो कोई बाउंडेशन नहीं देते हैं और जब पैचअप हो जाती है अफेयर में मतलब दोस्तों कि जब आप प्यार में आ जाते हैं तो फिर बोलते हैं ये मत करो वो मत करो। खैर बरात जुड़िए बैक टू द बिजनेस, अपने बात से वापस आते हैं। तो आई एम टायर्ड ऑफ यू मतलब मैं तुमसे बिल्कुल थक चुकी, मैं तुमसे बिल्कुल थक गया हूँ। देन द लास्ट वन इज डैट मॉम प्लीज हेल्प मी गिविंग मनी, यानी देखिए दोस्तों मतलब इसका ये सेंटेंस हुआ कि मॉम प्लीज हेल्प मी गिविंग मनी, यानी मम्मी मुझे पैसा दिला दो। सिंपली बोला मम्मी मुझे पैसा दिला दो। यहाँ पर होता है कि मम्मी प्लीज हेल्प मी और वेयरिंग शूज या क्लॉथ्स, मम्मी मुझे कपड़े पहना दो, मम्मी मुझे जूते पहना दो। उसी तरह कि मॉम प्लीज हेल्प मी गिविंग मनी, मम्मी मुझे पैसे दिला दो। दोस्तों इस सेंटेंस के साथ मेरा आज का जो सेंटेंस था डेली यूज सेंटेंस है खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास सब्सक्राइब करें। अगर मेरा आप सब्सक्राइबर है तो आपके राइट में जो सब्सक्राइब लिखा होगा उसके राइट में बेल बटन होगा उस पर क्लिक करें और जो सब्सक्राइब है प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी वीडियो अच्छी लगे हुए। थैंक्स फॉर हैविंग मी।